में झांसी नगर निगम नंदनपुरा प्रथम ताज कंपाउंड वार्ड नंबर 35 के सभासद जमील भूरे साहब बैठे हुए हैं। जानते हैं कि आखिरकार 2006 में भी सभासद रहे, इस बार भी सभासद रहे, हालांकि क्योंकि इस बार इनकी श्रीमती जी सभासद हैं। जानते हैं जमील भूरे साहब से कि आखिरकार 2006 में ताज कंपाउंड का क्या था दृश्य और यह 5 वर्षों में किस प्रकार का इस बार इन्होंने काम कराया हुआ है। जमील भूरे साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। 2006 का सफर जानेंगे पहले आपसे हम। 2006 में ताज कंपाउंड के अंदर कितनी वोटिंग थी? ताज कंपाउंड में वो 7,500 करीब की वोटिंग थी 2006 में। जी, उस बार कितने वोटों से जीते थे आप? उस बार हम मात्र 89 वोटों से जीते थे। 89 वोटों से। आपके जीतने के बाद क्या क्या काम अधूरे थे जो आपने पूरे कराए थे 6 में? 2006 में तो हमने बहुत काम कराए थे यार, कम से कम तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए काम कराए थे। 3.5-4 करोड़ के काम कराए थे। वैसे बड़े बड़े काम जानना चाहेंगे हम। एक तो मेन रोड का नाला बनवाया था पूरा, मेन रोड का नाला पूरा कलारी से लेके नंदनपुरा पुलिया तक। अच्छा। और सभी सड़कें खराब थी, सारी सड़कें बनवाई थी। और जो भी काम है आज हमारा ही कराया हुआ है, और जितनी भी सड़कें बनी हैं अपन ही ने बनवाई। इस बार आप फिर सभासद रहे श्रीमती? हाँ, इस बार थोड़े कम कार्य हुए हैं क्योंकि नगर निगम में पक्षपात किया जाता है, तो वही अपने साथ उसके शिकार हम भी हुए हैं। कैसे, थोड़ा जानना चाहेंगे, जनता अब जाने कैसे शिकार? असल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनके काम ज़्यादा किए जाते हैं, हम लोगों के काम बड़ी मुश्किल से बार बार कहने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से लगते हैं। एक आध काम अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो नगर निगम में अन्य पार्षदों के काम बहुत कम लगते हैं। अन्य मतलब चूंकि जो दूसरी पार्टी के काम, जो दूसरे दल के लोग हैं उनके काम बहुत कम ना के हिसाब से ही लगते हैं। अब उसमें नगर निगम के पार्षद जो भाजपा के हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और हम लोगों के साथ वही कि हाँ सब हो जाएगा जाइए। तो वो अभी 6-6 महीने से फाइलें डली हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। और इस बार तो 2 साल कोरोना खा गया, कोरोना में किसी ने कुछ करा नहीं पाया। अब 1 साल पिछले में पहले मिली थी, अब 2 साल ये मिली है, अब 6 महीने का सफ़र और बचा है। अब देखो शायद कुछ नगर निगम दया दृष्टि बना दे मेयर साहब या नगर आयुक्त जी। नगर आयुक्त जी वैसे बढ़िया काम कराते हैं, अगर उनके पास कोई काम लेके जाओ तो वो हल तुरंत में उस काम को करते हैं। लोगों को कैसे संतुष्ट करते हो जब काम नहीं करा पाते हो, तो लोग संतुष्ट कैसे नहीं? काम इतने ऐसा भी नहीं है कि अब हमने तो 2006 में जब इतना काम करा दिया था, काम हमारे यहाँ कुछ ही था, तो हमने जो काम बचा था उसको पेंडिंग जो था पहले का वो काम कराया। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ इस वक्त तो एक तो पाइपलाइन की है, पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है। एक पाइपलाइन मोहल्ले वालों ने अपने उससे 10 क्षेत्र फ़ोन करके एक पाइपलाइन डलवा ली थी, तो पानी यहाँ डिवाइड हो गया। वो जो पानी डिवाइड हुआ तो इस तरफ के आगे वाली गलियों में पानी आना बंद हो गया। पीछे प्रजापति मोहल्ला है, वहाँ पर भी पानी की बड़ी समस्या है। जो हैडपम्प थे वो बोर हो, उनके पानी ख़त्म हो गया, उनके यहाँ पानी की समस्या को बड़ी जद्दोजहद से लिया जाता है। हमने उसको उसके लिए पर डे एक टैंकर की व्यवस्था की है, तो बेचारे टैंकर से पानी भरते हैं। और आजकल तकरीबन 2 साल से हम 2 साल से बराबर जल निगम जो पाइपलाइन पूरी झांसी में बिछा रहे हैं उनसे हम 2 साल से आज पाइपलाइन के लिए बराबर जद्दोजहद कर रहे हैं, बराबर उन्हें लेटर दे रहे हैं, बराबर उनके अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और पाइपलाइन अगर डलती है तो हमारे लोगों की समस्या का समाधान होगा, पानी की समस्या का समाधान होगा, और जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पानी पहुँचेगा। असल में क्या है कि जल निगम कह रहा है कि सब विभाग में पाइप नहीं है। अब पाइप 2 साल से नहीं है, कब आएंगे पाइप? हाँ यही बात सही है। सरकार योजना दे रही, सरकार स्कीम भेज रही है कि साहब गली गली घर घर पाइपलाइन पहुँचाओ, गांव गांव शहर शहर पाइपलाइन पहुँचाओ, पानी पहुँचाओ, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो पानी जब आप लाइन ही नहीं डालोगे तो पानी कहाँ से आएगा? और जो टंकी है यहाँ दीनदयाल नगर में उससे भी पानी बहुत कम आता है, कुछ ही लोगों को मिल पाता है। ये गर्मी की समस्या है, बारिश में तो फिर सबको पानी, सर्दी बारिश में तो हर सबको पानी मिलता है, ये गर्मी में बड़ी समस्या है। गर्मी में पानी किसी को मिलता नहीं है, बहुत ही कम मिलता है, आधे लोगों को मिलता है आधे को नहीं मिलता है। अच्छा, 6 साल के अब तक की तो वोटिंग बढ़ गई होगी, अभी इस समय कितनी? अरे असल में क्या है कि अभी तक जो भी वोटिंग जनसंख्या का वो चल रहा है
तो उसमें 2011 के बाद से 2022 तक अभी जनगणना नहीं हुई आज तक, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। और जनगणना में जितने लोग थे उतने ही लोगों का नाम है, बाकी लोगों के नाम निशान नहीं है। एक तो हमारा क्या करा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्षेत्र बढ़ा दिया है। पहले हमारा क्षेत्र सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक था, अब इसको इन्होंने बढ़ा के ट्यूबवेल रोड, माउंट लेटरा स्कूल, हाथी बाबा के वहाँ तक फेंक दिया है। अब आप हमें सफाई कर्मचारी उतने ही दे रहे हो कि जितने वार्ड में पहले थे, आपने सफाई कर्मचारी हमें बढ़ाए नहीं है। सफाई की दिक्कत आती है, पब्लिक परेशान करती है। और दूसरी बात यह है कि जो सफाई वाले हमारे यहाँ हैं उन्हें सफाई के उपकरण नहीं दिए जाते हैं, सफाई करने के सामान नहीं दिए जाते हैं। हमारे वार्ड में आज तक एक ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर भी उन्होंने दूसरे वार्ड में लगा दिया सफाई के लिए। एक दिन वो हमारे यहाँ आता है, एक दिन वो वहाँ जाता है। इतनी ज़्यादा समस्या है, कहीं तो वो कचरे ढकेलने वाली गाड़ी नहीं है हमारे कर्मचारियों के पास, ठीक है। ट्रैक्टर की समस्या है, तसलों की समस्या है, फड़ुओं की समस्या है। कई बार विभाग में कह चुके हैं, विभाग इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करता। विभाग गौर करता है, विभाग ने तो स्मार्ट सिटी बना दी झांसी। हाँ, स्मार्ट सिटी बता तो रहे, स्मार्ट सिटी केवल आपको ये दिखेगी झांसी मेन रोड से। हाँ, जैसे लाइट चौराहा है, लाइट चौराहा हुआ, चौराहा हुआ, या पुलिस लाइन के वहाँ हुआ, या चित्रा चौराहा हुआ, यहाँ आपको स्मार्ट सिटी दिखेगी। जब आप वार्ड में मोहल्लों में घुसोगे तब लगेगा आपको ये 20 साल पुरानी बस्ती है जो पहले थी, आज स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया है। देखो, आप नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्हें चाहिए 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के काम, उनमें ज़्यादा रुचि दिखाते हैं वो। छोटे कामों में इनमें रुचि नहीं दिखाएंगे। जैसे मान के चलो कि हमने कहा कि हमें सफाई के लिए साहब 7 गाड़ी चाहिए, उनने कहा एक गाड़ी मिल पाएगी आपके अब हमारे पास 23-24 कर्मचारी हैं, एक गाड़ी से का पूरे वार्ड का कचरा उठेगा। कायदे से तो ये होता है कि हर वार्ड में एक ट्रैक्टर होना चाहिए, हर वार्ड का कचरा उठता रहे। अब तुमने 3 वार्डों में एक ट्रैक्टर लगा दिया, एक ट्रैक्टर वाला कहता भैया हम अभी उस वार्ड में एक तो। और दूसरी समस्या ये है, 2 टाइम की आपने ड्यूटी कर दी है सफाई कर्मचारियों की। आप सुबह 10 बजे भी, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करेंगे, और 10 बजे फिर 3 बजे आएंगे, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेंगे। अरे ये कोई सिस्टम है यार, सिस्टम जो सही है वो करो काम को। जैसे कर्मचारी आता है 2 बजे तक की ड्यूटी उसकी है, आप उसको कंटिन्यू 2 बजे तक के लिए छोड़ दो, या आप 2 बजे तक वार्ड में आप काम करिए। अब 2 बजे, अब असल में क्या है कि कभी कभी, वैसे तो हमारा हर सुबह 10:30 राउंड लगता है क्षेत्र में। अब हम पता पड़ा कि 10 बजे तक जा रहे हैं, आधे सफाई कर्मचारी करे घर चले गए, आधे शाम के आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, उन्हें काम भी उनका देखना है हमें। जब वार्ड में साफ सफाई रखना है तो काम तो देखना पड़ेगा। लेकिन इतनी समस्या पैदा कर दी है नगर निगम के अधिकारियों ने, कुछ कहने की बात नहीं, और कोई तो सुनता नहीं है भाई साहब। हम तो खैर ठीक है, चलो थोड़ी बहुत हमारी सुन लेते हैं, और अन्य पार्षदों के तो विचारों से पूछो, उनके वार्डों में तो टेंडर तक नहीं लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, कई पार्षद तो इतने परेशान है कि 2-2 बार 3-3 बार रिटेंडिंग हो गई है, नहीं कोई काम करने को तैयारी नहीं है उनके वार्डों में। समझ, नगर निगम चाहता है कि हम केवल जो बड़े बड़े काम हैं, जैसे अब बताइए आप पूरी झांसी की मैं पेंटिंग करा दी आपने, अरे वार्डों को भी तो देखो अंदर, उनकी समस्या क्या है, है जो पार्षद की क्या समस्या है उससे ही पूछ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। समझे, अब पूरे वार्डों में जाओ, आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, सफाई कर्मचारियों की हर जगह समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जमील भूरे साहब, जिन्होंने बताया कि नगर निगम के अंदर किस तरीके से चल रहा है। जो चमकाने का काम इलाइट चौराहा मेन बाजारों में है वहाँ स्मार्ट सिटी दिख रही है, परंतु बाड़ों के अंदर देखा जाए जर्जर हालत जो 16 साल 15 साल पहले थी वो अभी भी है नजर आ रही है। कैमरामैन आपके साथ देवेंद्र कुमार समादत्ता, झांसी।